Today we will learn classes for 12th class. I will take that lesson in English teacher. Chapter number 4, part 2nd. Yesterday I have taught you this part first. In part first, you have read the story of the up to that Banda Prasthi has given the prizes for the girls. Designed very beautiful dresses of papers. Now in this chapter, we will read. He will tell, when the class was watching Manda's beautiful sketches of the city of Jagannath, the experiment she did not from Panda's father. Unhe Panda ki pita se ek patra prapt hota hai. It gave information about Panda and entered the care. Yeh suchna leta tha ki Panda uske bhai Jay ke bare mein leaving the school, school ko chhod rahe the since they had shifted to a big city, kyunki wo ek bade shahar mein shift ho gaye the. The note also had an indirect complaint. उसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत भी थी. क्या थी? It said ये कहता था कि नौकर मिल गए खाना वगैरह के बैंक को के नाम का. There could be many foreigners. वहाँ पर बहुत से देशी लोग होंगे जो खाली थे. नए चिंता में से थे. The whole class was silent. पूरा कक्षा शांत था. Miss Mary was happy and excited. और नाम कुछ थी. She said उन्होंने कहा था कि she hoped that in the class would perpetually have someone कि इस कक्षा में कोई भी उस तरीके से कोई हल ना करना चाहिए because क्योंकि एक अध्ययन को भी अभी उसका नाम अपरिचय जैसा रखता है. She expected कि उन्होंने हाई की आशा की टू थिंक अबाउट द होल मैटर के बारे में सोचने के लिए. मैगी मैगी एंड पेगी बर्थडे टू क्लोज फ्रेंड्स हु वर आल्सो स्टडिंग इन रूम नंबर 13. And Peggy was always teasing Panda due to her grace and his unique name ke baare mein. Mary could not concentrate on his scribble pe adhyayan pe dhyan nahi de sakti thi during the first period because of his third grade. Use apraadh bodh ho raha tha. She had a reminded silent event saath saath rahe the when Peggy and other girls teased Panda. जब वो पेगी और लड़कियाँ पांडा को चलाते थे एंड लास्ट क्वेश्चन ड्रॉ था 100 ड्रेसेज और उसके 100 ड्रेस के बाद क्वेश्चन पूछा करते थे. सी यू इट वाज रॉन्ग वह जानती थी ये गलत था पूछना. सी वांटेड टू मीट एंड टेल पांडा वह पांडा से मिलना और उसे बताना चाहती थी दैट वी सी नेवर मीट टू हर हर तो उसे उसका चोट पहचाने का कभी मतलब नहीं था. पेगी आल्सो हैड द सेम थॉट पेगी अंदर वही विचार था. सो आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद फोर्थ हाइटेड मतलब बिगन टू गो फॉर वॉकिंग हाइट वॉकिंग हाइट्स बाद नेम ऑफ द प्लेस देयर ए बाइंडर ये यहाँ पर रहते थे एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टीज द फोर फ्रेंड पेगी एंड मैगी रीच टू ओपन हाउस बट ओपन हाउस वेयर बाइंडर मेट्स मैन टू गर्ल्स बाद नॉट एबल टू फाइंड बाइंडर देन दे रिटर्न होम आफ्टर इसके बाद वो घर लौट आती हैं. मैगी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट मैगी उस रात नहीं सो सकी थी. सी वाज थिंकिंग ओनली पांडा व्हाट केवल पांडा बारे सोच रही थी. हर हाउस एंड ब्यूटीफुल ड्राइंग के बारे में एंड पेगी आइडिया पेगी का आइडिया अबाउट देम विच सी आवर पास एम्पायर जो उसके बारे में सोचा था वो अच्छा था. सी कुड नॉट मेक कमेंट वो इस बात नहीं कर सकती थी फॉर हर पांडा के लिए बट सी टू का रिजल्ट तो उसने दृढ़ निश्चय लिया. नेवर टू स्टैंड साइलेंट पर वो साथी ना खड़े रहना बहन एक भी बस जीते से रहने चाहिए थी. आप नॉट मेक कमेंट फॉर हर्टिंग पांडा की ने कर सकते थे. सी वुड ट्राई नेवर टू मेक एनीवन अनहैप्पी अगेन उसने प्रॉमिस किया अपने आप से कि वह जीवन में कभी किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगा. दिस सैटरडे आफ्टरनून बोथ रोट ए लेटर टू पांडा दोनों ने पत्र लिखा पांडा को एंड मेड इट टू पांडा लाल बट they could not get any reply from the letter then did not receive any help from panda perhaps she was angry sad with elastic peggy also almost forget about them peggy iske baad lagbhag bhul chuki thi but panda did not she often went to sleep where perhaps hone jaati thi given a special job safeguarding panda from the tears नियर क्रिसमस क्रिसमस के पास मिस मैम रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम पांडा उन्होंने उनको एक पांडा से पत्र प्राप्त हुआ विशिंग एवरीवन हैप्पी क्रिसमस में पांडा ने पूरे क्लास को विश किया था हैप्पी क्रिसमस का. सी सेड दैट सी मिस्ड द स्कूल को मिस करती थी एंड न्यू टीचर डिड नॉट इक्वल राइट मिस मैम के बराबर नहीं थे. सी आस्क्ड हर टू कीप द ड्राइंग फॉर द क्लास के अंदर एज गिफ्ट देने के लिए
the triangle of the queen dress into queen dress into and the human to Maggie, Divi Wani Maggie Bhani, both Maggie and Maggie were happy to see them to receive the special gift. They understood the Samantha that Banda had received their letter. Banda Kurukul Katka Puska and was not angry with them. उसके साथ नाराज नहीं थे. Maggie then looked closely जब उसने पास देखा एक ड्राइंग found that her face was drawing in that. पाया कि उसकी ड्राइंग में मैगी और पैगी का फेस ड्रा किया गया था. सी रैन टू पैगी वेयर पैगी पास भागते गए एंड सॉ पैगीज फेस ऑन द पैगीज गिफ्ट के ऊपर देखा. सो बांडा है स्पेशल ड्राम ए दो स्केच फॉर देम के डिस्ट्रीब्यूटेड सी लाइक देम आफ्टर दैट. वह सभी को पसंद करते थे. डियर फ्रेंड दिस इज योर होमवर्क. आई हैव रिटन अ पैराग्राफ ऑन द बोर्ड ऑफ दिस लेसन. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now your paragraph is this man is clear. A moment is continued by hearing and silence in the class due to tense. जो शांति थी कक्षा में वो tense and expected हो गई. The teachers adjusted हर classes को ठीक किया धीरे से and really beautifully जानबूझकर. हर manners indicated उसके जो top लिखे जो दर्शाते थे that the सी बार coming this letter from Panda's father. ये पत्र पढ़ा था बाद ये matter of great importance कोई बड़े महत्व का था. इसी बार जैसे क्लोजिंग था एक मैंने पास सुना आई मिस मैनमैन रीड द ब्रीफ नोट को पढ़ा. सो योर क्वेश्चन से हु इज मिस मैनमैन. यू नो मिस मैनमैन इज द क्लास टीचर ऑफ रूम नंबर 13. व्हाट वाज द मैटर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंट. क्या ग्रेट इंपॉर्टेंट था पांडास फादर्स लेटर. दिस इज योर आंसर पार्ट बी ग्रेट इंपॉर्टेंट. व्हाट द मैनर्स ऑफ द मिस मैनमैन. क्या ये कट करते थे दैट देयर वाज सम सीरियस मैटर इन द लेटर. मिस मैनमैन को क्या पहने हुए थे ग्लासेस किसने पहने थे. हाउ वाज द एनवायरमेंट इन द रूम. रूम में कैसा एनवायरमेंट था. टेंस एंड अनएक्सपेक्टेड योर आंसर इज सो यू विल दैट आंसर द एनवायरमेंट इन द रूम वाज टेंस एंड अनएक्सपेक्टेड. डियर स्टूडेंट द होमवर्क यू विल राइट इट इन योर कॉपी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.